भाई अब जेबू ने और तहमीना तुमने हमारे घर आना, हम सब मिलकर एक बहुत शानदार सी दावत करेंगे। हाँ हाँ, अब तो बहुत सारी दावतें होनी चाहिए। जाहिर है अब तो मौका है दावतों का। आपा, आपको याद है मरहूमा अम्मा हमारी खुशी के मौके पर घी के चिराग जलाया करती थी। हाय क्या याद करा दिया अम्मा का जमाना। घी के चिराग? हाँ बेटा, हर घर में जलाया करते थे। अब तो नए नए फैशन आ गए हैं, पुरानी रिवायात तो नापैद हो गई हैं। अच्छा बेटा चलते हैं, हम घर पे बहुत काम है, देर हो रही है, फयाज भी आने वाले होंगे। जी आप पर। ओके चलो बेटा। लाकुम बेटा। वाह भाई, इतने तोहफे। काश मेरी खाला भी इतनी अच्छी होती, ना प्यार करती मुझसे। तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो रख लो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। क्या थॉट है भाई, तुम्हारी फैमिली ने तो खूब खुशियां मनाई है, इतने तोहफे तोहफ मिठाइयां। वाह भाई ऐसे है। हमारी फैमिली में छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और एक मेरी फैमिली है, दूर दूर तक खुशियों का नामो निशान ही नहीं है। सारा दिन घर के काम करते रहो, और आजकल तो खर्चे की भी इतनी टेंशन है। एक दादी है मेरी, और वो भी हर वक्त कफात शान करती रहती। सबा बेटा ये सूट तुम रख लो, यूनिवर्सिटी के लिए सिलवा लेना। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ये सूट कितना खूबसूरत है। अगर आप कहती हैं तो मैं रख लेती हूँ, वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं थी इसकी। बेटा ये सूट तुम रख लो, मैं जेबू की खाला हूँ तो तुम्हारी भी हूँ, मेरी तरफ से इसे तोहफा समझ के रख लो। काश मैं भी आप लोगों की फैमिली का हिस्सा होती। अरे बेटा अपने आप को हमारी फैमिली का हिस्सा ही समझो तुम। खाला अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब तुम चाय पियो, मिठाई खाओ और खुशियाँ मनाओ। हाँ बेटा तुम लोग बातें करो, मैं जरा किचन देख लूँ, मैंने ना चावल भिगोए हुए, पुलाव बना रही हूँ और तुमने खा के जाना है। हाँ मैं तो जरूर खाऊंगी, मजे का बनाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे तुम्हारा कजन फवाद है बड़ा स्मार्ट और हैंडसम, अब ऐसा भी कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है वो, लेकिन हीरो तो लगता है ना। क्या मुझे तो कोई हीरो वीरो नहीं लगता, आम से ही बंदा लगता है। अगर मेरा कोई ऐसा कजन होता ना तो मैं उससे फौरन मंगनी कर लेती। पागल हो तुम, जरूरी तो नहीं कि कजन से शादी या मंगनी ही की जाए, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। पढ़ लेंगे, इसीलिए तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया है। तुम्हें पता है हमारी कॉलेज की इतनी लड़कियों की तो शादी भी तय हो गई है, उन लड़कियों को अपने करियर में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, जबकि हमें पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है, अपना करियर बनाना है। खाला मैं भी यही चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। सेबू वैसे तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी तमीना खाना तो अकेली रह जाएंगी ना। अभी मैंने इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है, और ना ही इन बातों का वक्त है। तो तुम्हें सोचना चाहिए जेबू, क्या तुम्हारी तहमीना खाला कोई घर दामाद रखेंगी? ये तुम्हारी शादी फवाद के भाई आरिस से हो जाएगी। ये तुम्हें आरिस का ख्याल कैसे आ गया? अब देखो ना, वो इतनी अच्छी जॉब करता है और तुम्हारे जोड़ का भी है, और वैसे भी तुम्हारी खाला तुमसे बहुत प्यार करती है ना। उफ कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। मुझे ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कल का क्या प्लान है? हाँ सुबह हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, और फिर हमने अपनी क्लासेस भी तो देखनी है ना। वैसे फवाद क्या कर रहा है आजकल? बुला लूँ? वो देखो वो आया, फवाद वो देखो। जी वो तुम भी ना। सुने वो तमीना को फोन आया था। जेबू का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, बहुत खुश थी। गुड, मैं भी फ्री होके जाऊंगा वहां पे,
ऑफिस में एक डेलीगेशन आने की वजह से काफी मसरूफियत है। जरूर जाना, तमीना याद करी थी तुम्हें। वैसे मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तमीना पर बोझ ना पड़े, जेबू की फीस के पैसे तमीना को दे दे। देखो हम सब मिलजुल कर ही जेबू की तालीम के अखराजात पूरे करेंगे। मैं भी यही सोच रही थी, यूनिवर्सिटीज इतनी महंगी हो गई हैं, अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें, बच्चों को पढ़ाना तो है। मैंने ना जेबू के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे हुए, अच्छा है अब उसकी तालीम पर काम आ जाएंगे। मेरा भी लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद मुझे भी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, फिर हमारी भी ऐश होगी। मेरे ख्याल में बच्चों की तालीम पर ना कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल, पहले तालीम, बाकी काम बाद में। वैसे भी जेबू ने बहुत छुट्टियां कर ली, आगे जाके वो भी बहुत मसरूफ हो जाएगी। अच्छा है ना, पढ़ लिख लेगी, कैरियर बन जाएगा उसका, अपना सहारा खुद बन जाएगी, डिग्री हो ना तो फिर जॉब भी अच्छी मिल जाती है, अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी तो फिर खुद मुख्तार भी हो जाएगी मेरी बच्ची। शुक्र है सब काम खुशी से हो गए। देखो अब इंशाल्लाह सब बच्चे अपनी अपनी फील्ड में सेटल हो जाएंगे। इंशाल्लाह। सिबू मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दादी ये देखे, जेबू की खाला ने मुझे इतना खूबसूरत छोड़ दिया, वो भी पास होने की खुशी में। अरे ला दिखा। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, और ये डिजाइन कितना अच्छा है ना? भाई जेबू की खाला तो बहुत बड़े दिल वाली है। जी हाँ, जेबू की खाला बहुत अच्छी है। आपको पता है जेबू ने यूनिवर्सिटी के लिए शॉपिंग भी कर लिया, और मैंने अभी तो कुछ भी नहीं लिया, वही पुराने कपड़े और जूते। अरे तू जब अपने घर की होगी ना तो सारे चौचोंचले पूरे कर लेना अपने। दादी ये अपना घर कौन सा होता है, ससुराल? हाँ भाई, जब तेरी शादी होगी ना तो फिर खूब सारे जूते लेना, कपड़े बनाना, जेवरात बनाना। तेरे दादा की जो जमा पूंजी थी वो तो सारी खर्च हो गई, अब जो थोड़ी बहुत बचत की है मैंने उसी में गुजारा चल रहा। लेकिन दादी मैं यूनिवर्सिटी जाके खूब एंजॉय करूंगी। हाँ हाँ, खूब एंजॉय करना, खूब सारा पढ़ना, और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का भी देख लेना। दादी लड़के ऐसे रास्ते में थोड़ी मिल जाते हैं। भाई शादी की एक उम्र होती है, जब वो उम्र गुजर जाती है ना तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अरे आजकल की लड़कियां तो बड़ी होशियार है भाई, अपने लिए तो बहुत अच्छे लड़के ढूंढ लेती हैं और फिर खुश भी रहती है। अरे हरीश तुम? जी जनाब मैं। अंदर आ जाओ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत बहुत मुबारक। सॉरी मैं पहले नहीं आ सका,
काम में बहुत बिजी था। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी, खाला वैसे इतनी सारी चीजें ले आई थी। वो चीजें तुम्हारी खाला की तरफ से थी और ये मेरी तरफ से। थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा बंदर आ जाओ। अच्छा वालेकुम सलाम। जीती रहो, बैठो बेटा। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए। खाला मैंने तो आना ही था, जेबू ने फर्स्ट डिवीजन लिया, कोई छोटी बात तो नहीं है। हाँ मेरी तो दुआ है कि मेरी जेबू जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल करे। जेबू तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। सारे काम हो गए मगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। इसकी दोस्त सबा आ जाती है, ये उसी के साथ यूनिवर्सिटी जाती है और उसी के साथ जाके एडमिशन वगैरह सारे काम कर लेती है। अच्छे दोस्त पर वक्त काम आ जाते हैं और सबा तो इसकी बहनों जैसी दोस्त है। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरी भी कोई बहन हो। तो हो सकता है तुम्हारी एक बहन भी हो, तुम्हारे अब्बू की औलाद तो तेले ही सही, तुम्हारी फैमिली तो हो। अरे देबू बेटा चाय वगैरह का इत्माम करो, अरे इसकी को खिदमत हाजिर करो। काला किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं अभी ऑफिस से चाय पी कर आया। बेटा वो तो ऑफिस की चाय थी, खाला के घर की चाय भी पी लो। अभी लेके आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो किरण, क्या लेकर आ गई? हलीम। अरे वाह, तुम रोज कुछ ना कुछ पका के लाती रहती हो। बेटियों में यही तो रौनक होती है, घर भी सजा रहता है, खाने भी पकते रहते हैं। हमारी जेबू जब आती है ना बस इतनी ही गहमा गहमी होती है घर में। फिर कब आएगी जेबू? पता नहीं, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली उसने, तुम्हें पता ही है ना इतनी मुश्किल पढ़ाई है, छुट्टियों में आ जाएगी। जी हाँ ये तो है। सुनो वो आरेज भी वहीं गया, कह रहा था खाना खा कर आऊँगा। ये जो तुम हलीम लाई हो ना फवाद के लिए रख देते हैं, मैं जरा परहेज करती हूँ ना बीपी की वजह से। जी जरूर। वो तुम्हारे बर्तन किचन में रखे, वो भी जाते हुए लेती जाना। सोचा था कुछ अच्छा पका कर तुम्हारे घर भेजूंगी उन बर्तनों में, लेकिन अब इस उम्र में ना कुकिंग करने का दिल ही नहीं करता। अरे आपा आप क्यों जहमत करती हैं, मैं हूँ ना आपके सारे काम कर दूंगी। रोजाना कोई ना कोई नई रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। हमारी जेबू भी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो जब यहाँ होती है ना तो आरेज और फवाद फरमाइशें कर कर के ना उससे डिशेस बनवाते रहते हैं। आपको जेबू की बहुत याद आती है ना? हाँ मेरी भांजी ही नहीं बेटी की तरह है। सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम। लो जी फवाद भी आई है। कुछ खाने को है? नहीं बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ किचन में खाना रखा है। और ये किरण देखो हलीम लेकर आई, ये भी ले जाओ। अरे वाह भाई, ऐसे नेक और सखी हमसाये नसीब वालों को ही मिलते हैं। वैसे उस दिन आपने खीर भी भेजी थी, बहुत लजीज थी। आपने भी खीर खाई थी? अरे ये क्या बात हुई, मैंने ही तो खाई थी। आपके सारे खाने ना मैं ही खाता हूँ, हर प्लेट पे मेरा ही नाम लिखा होता है। अरे बेटा इस घर में खाने पीने का शौकीन सबसे ज्यादा फवाद ही है। चलो जाओ ये हलीम भी ले जाओ, जाके खाना खाओ। ठीक है अम्मी मैं ले जाता हूँ। आप लोग भी आए अंदर बैठे? हाँ आ रहे हैं, बस अब ये बर्तन भी ना बाकियों के साथ इकट्ठे ही तुम्हें दूंगी। ठीक है बेटा, तुम आ जाते हो तो घर में रौनक हो जाती है, घर में आवाजें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। काला मेरा बस चले तो मैं रोजाना आपके घर आ जाऊं। बेटा ये घर भी तो तुम्हारा अपना घर है। जी ये रही चाय। थैंक यू। बेटा तुम चाय पियो, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। जी खाला आज मैं फुर्सत से आया हूँ, जाने की कोई जल्दी नहीं। ठीक चाय पियो और खाना भी खा के जाओगे तुम। जी खाला। कितना प्यारा व्यू है ना।
सेबू, सेबू, उस दिन मैंने तुमसे एक बात कही थी, फिर मौका ही नहीं मिला बात करने का। आज मैं तुम्हारा जवाब सुनकर जाना चाहता हूं। हनीस, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और कजिन्स भी हैं। मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा है और मैंने तुम्हें हमेशा एक कजिन और दोस्त ही समझा। तो अब सोच लो मेरे बारे में, अभी भी देर नहीं हुई। मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ, ये वक्त नहीं है इन बातों का। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो मेरी तालीम असरअंदाज होगी और मैं अपनी पढ़ाई को पूरी तवज्जो देना चाहती हूँ। तुम्हें पढ़ाई से कौन रोक रहा है? I'm sure खाला और अम्मी भी मान जाएंगे। मुझे मुझे अम्मी से बात तो करने दो। आरिज, अभी खाला से कोई बात मत करना। खाला भी यही चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरी अम्मी बहुत जल्दी चली गई, मगर मैंने उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी ना, तो वो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकी। मैं नहीं जानती कि अम्मी और अबू के क्या अख्तलाफात थे, मगर तालीम की कमी की वजह से हमेशा पीछे ही रहे और मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ। तुम चाहे जितना भी वक्त ले लो, तुम्हारे लिए मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर लूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा इंतजार करो। अम्मी और अब्बू की शादी ने मेरे दिल में अजीब सा वहम और डर डाल दिया। मेरे लिए शादी कोई फैंटेसी नहीं है। तुम्हारे सारे खदशात दूर हो जाएंगे सिर्फ। हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। सेबू, क्या मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बेटा, आरेस कहाँ है? वो चला गया। ऐसी भी क्या जल्दी थी, उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसे नहीं रोका खाला ने। बेटा, वो खाना खाए बगैर ही चला गया। शायद कोई काम याद आ गया होगा उसे। कुछ देर पहले तो वो बड़े आराम से बैठ के बात कर रहा था, उस वक्त कोई जल्दी नहीं थी उसे। अरे, आप क्यों फिक्रमंद होती हैं खाला ने, दोबारा आ जाएगा। अच्छा, मुझे किचन में बहुत काम है, मैं जाके करती हूँ। ठीक है, तुम किचन देख लो। ऐसे आंधी तूफान की तरह कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस यूं ही पूछा था। तुम्हें यूं ही पूछने का भी हक नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि सारे हक मेरे हो जाए, बल्कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं है?
जब देखो इधर मंडलाती रहती। अपने सारे घर के काम करके यहाँ आती हूँ और मैं तुम्हारी हमसाई हूँ, कोई गैर नहीं। ऐसे हमसाए किसी को ना मिले। क्या बात है, किसी से लड़के आए हो क्या? हाँ, पूरी दुनिया से लड़कर आ रहा हूँ। आप खुश हो? घर आते साथ सबसे पहले हमसायों को वजाहत देनी पड़ती है। करेगा नीम चढ़ा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आरिस बेटा, क्या बात है, जब से आए हो तुम कमरे से बाहर नहीं निकले। चलो आओ, सबके दरमियान बैठो, तुम्हारे अबू भी तुम्हारा पूछ रहे हैं। मैं बहुत थक गया, कुछ देर आराम करूंगा। हाँ तो कर लो ना आराम, बल्कि ऐसा करो कल ऑफिस से छुट्टी कर लो, एक दिन रेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी सेहत का भी ख्याल करो ना, तुम इतना काम करते हो, सुबह जाते हो रात को वापस आते हो। जी रेस्ट कर लूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो फ्रेश होकर बाहर आओ, सब वेट कर रहे हैं। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि जेबू अपने जज्बात से अनजान हो, वो भी तक जान ही ना पाई हो कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। शायद शायद ऐसा ही है, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस दिन वो अपने दिल में झांक कर देखेगी, उसको एहसास हो जाएगा कि वो भी मुझे इतना ही चाहती है, और उस दिन का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। जेबू बेटा नाश्ता कर लो मेरी जान। आला अम्मी, सुबह सुबह मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। मेरा बच्चा इतनी मुश्किल पढ़ाई करती हो और दोपहर तक ही वापस आओगी, खा लो कुछ। कैंटीन में सब कुछ मिलता है, लेकिन आप कहती हैं तो खा लेती हूँ। दूध पी लो। अच्छा मुझे देर हो रही, खैरियत से जाना बेटा, अल्लाह हाफिज। जिंदगी कितनी बदल गई है ना, इतना अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत एक्साइटिंग है। हाँ यार सही कह रही हो, हमारी यूनिवर्सिटी में कितने हैंडसम लड़के पढ़ते हैं, मेरा तो छुट्टी वाले दिन भी यूनिवर्सिटी आने को दिल करता है। हैंडसम लड़कों को छोड़कर पढ़ाई पर भी कुछ तवज्जो दे दो, पढ़ाई बहुत टफ है। देख लेंगे यार, अभी तो एग्जाम्स में बहुत टाइम है। मैं तो डिग्री कम्प्लीट करने के बाद जॉब भी करूँगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मैं तो जॉब करने का सोचूंगी, क्या पता मेरी शादी हो जाए। काश
मेरे पास भी तुम्हारी तरह हैंडसम और स्मार्ट कजन्स होते। हाय रे किस्मत, क्या बात है, तुम तो बड़ी इम्प्रेस होती हो ना मेरी कजन से। हाँ यार, वो मैं ना हैंडसम लोगों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हूँ, क्या करूँ। वैसे तुम्हारा कजन फवाद बहुत ही जिंदा दिल और खुश मिजाज है। उसका ऐसा ही मिजाज है, वो सबको हंसाता रहता है। तुम्हारी खाला उसकी शादी कब करेंगी? अभी कहाँ, अभी तो वो पढ़ रहा है MBA के आखिरी सेमेस्टर में, उसके बाद ही जाके शादी का सोचेंगी। और आरिस, वो तो जॉब करता है ना? बिल्कुल मोहल्ले की खाला निकली, किसकी कहाँ शादी हो रही है, किसका कब रिश्ता हो रहा है। चलो क्लास का टाइम हो गया, देर हो रही है, आओ चलो। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रह मेरी बच्ची। ये क्या कर रही हैं? एक सालन बना रही थी, सालन तो मैंने बना लिया, कद्दू का सालन बनाया। मैं तो यूनिवर्सिटी से बर्गर खा के आई हूँ, जेबू ने खिलाया था, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। चलो तो बाद में खा लेना ना, मैंने तो भैया दिन रात का सालन बना दिया है। आपको पता है जेबू के पास इतने पैसे होते हैं, सब चीजें वही तो देखती है, और मेरी कैंटीन के सारे बिल्स भी वही पे करती है। हो गया जेबू नामा शुरू तेरा है, जेबू ने ये किया, जेबू ने वो किया, भाई मैं तंग आ गई हूँ, बस अब कोई बात ना करना। दादी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ तो होगी ना, भाई हर वक्त यही कहती रहती है, जेबू ने ये किया, जेबू ने वो किया, तूने क्या किया ये बता मुझे। मैंने? हाँ? मैंने अपनी दादी को मिस किया। आए, मैं सद के जाऊं, देख हाथ गंदे हो रहे हैं। कोई बात नहीं। मैं इतने बरसों बाद कैसे आ गए? ये मेरी मिसेस शुगुप्ता। सारी बातें खड़े खड़े ही दरवाजे पे करेंगे। इतने अरसे बाद अचानक यूं कैसे आना हुआ? बहुत सारे अपने बदन से बाहर रह लिया, लेकिन एक ना एक दिन तो इंसान को अपने बदन वापस आना होता है। आपके चेहरे पर इतनी हैरानी क्यों? क्या आपको ऐसा लगा था कि मैं लौट के जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा? ऐसा कुछ है? बरसों बाद लौट कर आने वालों को देखकर यूं ही हैरान हुआ जाता है। वक्त और हालात इंसान को कितना बदल देते हैं। जिन हालात में मैं यहाँ से वहाँ गया था ना, वो वक्त और था। वहाँ के हालात यहाँ के हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया मुस्तकिल तौर पे, घर ले लिया मैंने यहाँ पे। सिकंदर की बेटी आपके पास है, अब तो वो बड़ी हो गई होगी। हाँ अब तो वो यूनिवर्सिटी भी जाती है माशाल्लाह, ठीक है और बहुत खुश है। तो बुलाए ना, कहाँ है वो? हाँ वो सहेली की तरफ गई है, हम इंतजार कर लेंगे, फुर्सत से आए हैं आराम से जाएंगे।
जेबू तुम आ गए? जी खाला मी, दरवाजा खुला हुआ था। मेरे तो ऐसे हवास जवाब दे गए हैं कि दरवाजा बंद करना याद ही नहीं रहा। क्या हुआ है खाला मी? जेबू मेरी बेटी वही हुआ जिसका डर था, वो अंदर बैठा हुआ तुम्हें बुला रहा है। मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं, मैं क्या करूं? खाला मी कौन आ गया, कौन बैठा हुआ है? तुम्हारा बाप आ गया, सिकंदर आ गया, वो अंदर बैठा हुआ है, वो तुम्हें बुला रहा है। मगर बेटा तुमने किसी से भी डरना या घबराना नहीं है, पूरे एतमाद से बात करनी है, उन्हें भी तो पता चले कि तुम समीना की तरह कमजोर नहीं हो। मैं पापा को फोन करती हूँ। जेबू बेटा, ये तुम्हारे अब्बू हैं और ये तुम्हारी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आरेश, आरेश बेटा जल्दी करो। आरेश क्या हुआ है अम्मी, क्यों इतनी परेशान है? जल्दी चलो, वो आ गया। कौन आ गया? सेबू का बाप सिकंदर आ गया, तैमीना का फोन आया, जल्दी बुला रही है। क्या कह रही हैं आप? अरे क्या भी है, छोड़ो, चलो मेरे साथ जल्दी। चले चले। जेबू तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारे अब्बू परदेश चले गए थे, वो हालात और वाकयात शायद तुम्हें याद भी ना, लेकिन अब हम यहाँ हमेशा के लिए आ गए। और बेटा मैं तुम्हें अपने साथ भी जाना चाहता हूँ। क्या ये क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? जेबू का असर करते वही है जहाँ पे हम रहे हैं। बेटा बहुत है लिया खाला भी था, पहले की बात और थी, अब की बात और है। ऐसे कैसे हो सकता है? जेबू को मैंने माँ बनकर पाला है। तैमीना तुम इसकी माँ नहीं हो, इसका बाप मैं हूँ। बहुत खूब सिकंदर, बरसों तक तो तुमने जेबू की तरफ कभी पलट कर नहीं देखा, दूसरी शादी कर ली, परदेश चले गए और अब बरसों बाद लौट कर आए हो तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। ना कोई हक अदा किया, ना कोई फर्ज निभाया, ना ही मैं किसी को जवाब देने आया हूँ, ना सफाई देने के लिए। पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता मैं। जेबू का घर वही है जो मेरा घर है और जेबू वहीं रहेगी। मगर मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपनी खाला के साथ खुश हूं और इन्हीं के साथ रहूंगी। जेबू, तहमीना तुम्हारी खाला है लेकिन सिकंदर तुम्हारे अब्बू हैं, तुम्हें उनकी बात को भी अहमियत देनी चाहिए। मेरी खाला ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, इन्होंने तुम्हारी परवरिश की है लेकिन तुम्हारे वालिद का भी तुम पर हक बनता है। हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, इस तरह तुम्हारी खाला पर बोझ कम होगा। जेबू मेरी बेटी है और बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो रहमत होती हैं। यही मेरा घर है जहां मैं पली बढ़ी। आप लोग मिलने के लिए आए, आपका शुक्रिया।
आप लोग जब भी आएंगे मैं जरूर मिलूंगी, मगर मैं आपके साथ रह नहीं सकती। मगर रहूंगी तो अपनी खाला के साथ। तो मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। हम फिर आएंगे इंशाल्लाह।